अभी हमारी टीम मौजूद है नई टिहरी में, और हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिनेश धने जी। धने जी, आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों, भाजपा कांग्रेस, एक दूसरे के जहां मौका मिल रहा है वहां जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले निर्दलीय लड़े और इस बार आपने अपनी पार्टी बनाई है बजाय किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाने के, तो क्या वजह रही इनकी? देखिए, ये जो पार्टियां हैं, मुझे जो सूचना है, इनके दूल्हे चेंज होने वाले हैं, लेकिन जो जनता रूपी दुल्हन है, जो इनको ढोरी है, वो तैयार है कि नहीं है। तो जनता ने मन बना लिया है कि क्या करना है। अब जो राष्ट्रीय दल हैं, ये जो सोच रहे हैं, ये दिल्ली में सोच रहे हैं, और हमको जो सोचना है, हमको गांव में और यहाँ जो टिहरी है, हमको यहाँ पे सोचना है कि हमको क्या करना है। धनंजय, अगर आज आपने नामांकन भी करा दिया है, तो क्या कुछ मुद्दे आपकी पार्टी के इस बार हैं, कितने प्रत्याशी आपने मैदान में उतारे हैं? देखिए, हमने 7 प्रत्याशी हमको चुनाव में उतारे, और हमने 6 हमने टिकट दिए, एक और सीट पे हम तय करेंगे, लेकिन अगर और भी हमको सुयोग्य प्रत्याशी मिलेंगे तो हम प्रत्याशियों को उतारेंगे। जी, टिहरी सीट को लेकर लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि ना भाजपा यहाँ पे अपने प्रत्याशी घोषित कर पा रही है, ना कांग्रेस कर पा रही है। ये माना जा रहा है कि भाजपा वाले कांग्रेस वाले को अपने पक्ष में लेना चाह रहे हैं, और कांग्रेस वाले भाजपा वाले को अपने पक्ष में लेना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी दौड़ को? देखिए, जो प्रत्याशी एक दूसरे दल में जा रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो कहाँ जाती है, महत्वपूर्ण तो ये है कि जनता का निर्णय क्या होता है। नेताओं के निर्णय तो आज तक हुए हैं, पार्टियों के निर्णय भी हुए हैं, लेकिन टिहरी में जनता क्या निर्णय लेती है, इस पर ध्यान देना चाहिए, और यही महत्वपूर्ण निर्णय होगा। धना जी, टिहरी के विकास में आपका अहम योगदान रहा है पर्यटन को लेकर, लेकिन बीच में 5 साल यहाँ भाजपा के विधायक रहे, तो आप किस तरीके से इस कार्यकाल को देखते हैं? देखिए, जो विकास हुआ था वो आज उतना ही पीछे चला गया, क्योंकि लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, लोगों का विकास बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे विकास का काम नहीं बल्कि विनाश का काम हुआ। रोज़गार छीने गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लोगों को बेघर किया गया, लोगों को चूल्हे जलाने काम इन्होंने बुझाने काम किए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर केवल व्यापार किया है, चाहे वो जनता का हो, चाहे वो नेताओं का हो, उसके अलावा यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया, और जनता इसकी साक्षी है। धनंजय, आखिर सवाल, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप इस बार? देखिए, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि जनता मुझे पूरा अपना इसने देगी, और जैसे देती आई हुई है, मुझे कभी भी ऐसा निराश नहीं किया जनता ने। यह अलग बात है कि इलेक्शन में पिछली बार हारा हूँ, लेकिन मैंने जनाधार मेरा कम नहीं हो, मैंने जनता का विश्वास नहीं खोया, क्योंकि जो वोट मुझे 2012 में पड़ी थी, उससे 2500 वोट ज़्यादा मुझे 2017 में पड़ी। यह अलग बात है कि ज़्यादा वोट लाने पर भी, लोगों का विश्वास होने पर भी मुझे जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन उसकी एक मुख्य वजह थी कि जो राष्ट्रीय दल थे, दोनों इकट्ठा हुए, और दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैडर वोट था कांग्रेस का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे दिनेश धने जी, जिनका साफ कहना था कि पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस एक होकर उनको हराया था, लेकिन इस बार पूरी जनता उनके साथ है, और टिहरी के विकास में उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। पंकज गरोला, देवभूमि न्यूज़, नई टिहरी।